इंजेक्शन बहुत लगता था मवेशी को, सबसे ज्यादा अच्छा बीमारी बहुत होता था। बीमारी किस पहले की व्यवस्था में क्या बीमारी तो डालना जरूरी है। अच्छा, और जो डालना जरूरी है और उसके बाद ओपन खुला रहना जरूरी है, समस्या नहीं हमारे पास। अच्छा अच्छा, बीच में थोड़ा सा आया था आपको आज के 5 महीना पहले 84 केजी। अच्छा अच्छा, 85% हमारा हरा चारा रहता है, हरा चारा में सुपर मेटियर है, थोड़ा सा दूध पे असर पड़ेगा, खाना पे असर पड़ेगा, गोबर खराब होगा, और असर है। अच्छा अच्छा, अब एक मुख्य चीज जो हमको 3 बछिया रखना चाहिए था। अच्छा, 3 या 4। अच्छा, जो कि हम सिस्टम से हट के 11 बछिया को रखे हैं। इस पे मंथली खर्च मेरा 50,000 से कम गाय से स्टार्ट करना चाहिए और शुरू से ही ब्रीडिंग पे काम होना चाहिए, शुरुआत से ही। हाँ सर, पहले इनकम नहीं देखे, पहले व्यवस्था मैनेजमेंट देखे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुंच चुका हूँ बिहार के अरवल जिले में और काफी बड़ा डेयरी फार्म है, आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे। और बड़ा मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इनके कारनामे, इनके करतूत के कारण मैं बड़ा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये इन्होंने शुरुआत किया था तो काफी स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद जितनी भी पशु थी सारी सारी पशु इन्होंने खरीदी थी। लेकिन जब फार्म जैसे जैसे बढ़ता गया तो अब इनके पास मात्र 3 से 4 पशु ऐसी है जो इन्होंने खरीदा था और अब जो है सब की सब इनके पास तैयार की हुई है पशु है। और हमारे बिहार में कैसा मानना है कि पशु तैयार करना घाटे का सौदा है, तो ये चीज भी हम वीडियो में जानेंगे। बहुत सारी चीजें हम वीडियो में जानने वाले हैं, कैसी ब्रीड, कैसी बच्चियों को तैयार करें और दूध कहाँ से लेता है। इनका जब शुरुआत हुआ था फार्म तो सुधा में दूध देते थे, आज भी सुधा में दूध देते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो का बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से बात करता हूँ, पूरी पूरी जानकारी लेता हूँ। ये तो खोया मशीन है जो कि दूध को प्रोसेस करके सेल करते हैं, चाप कटर मशीन है, काफी अच्छी व्यवस्था है। फार्म को देखेंगे तो काफी फार्म भी काफी स्पेसियस है, काफी हवादार है और बिहार का एक ऐसा मात्र फार्म मुझे ऐसा लगता है, मैं मेरे विचार से, कि पूरे साल इनके यहाँ हरा चारा मिल जाता है, हरा चारा की कमी कभी महसूस नहीं होती। हरा चारा पर भी हम डिटेल्स वीडियो आपको देंगे, बहुत सारी चीजें हम वीडियो में देने वाले हैं, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए इनसे बात करते हैं, पूरी पूरी जानकारी। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप अपना परिचय और ये आपका फार्म कहाँ पर है ये आप बता दीजिएगा। सर मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, प्रखंड करपी, जिला अरवल, बिहार। अच्छा, तो जैसे ये जो आपका डेयरी फार्म का नाम क्या है सर? आर्या डेयरी फार्म। तो आप कब से इस काम को कर रहे हैं, एक बार फिर से बनाते हैं, क्योंकि पहले भी आप मैं बना चुका हूँ फार्म तो ऐसे जनरल रूप से हम बहुत पहले से कर रहे हैं, सीरियस में हम 19 से। तो जब सीरियसली मतलब ऐसा आपको क्या लगा कि सीरियसली आप 2019 से इसमें आ गए? उस समय भी कुछ ब्रीड का भैया था हमारे पास, और उस समय बिहार में डेयरी क्षेत्र में बहुत कम काम होता था, तो उस समय किसी कारण से वो अफसर लोग को सही लगा तो भारत सरकार से अवार्ड दिया गया राधेमोहन सिंह के यहाँ को। अच्छा अच्छा, और उस समय कुछ लोग आया बाहर से हमारी व्यवस्था देखने। जी जी, तो उसी समय हम लोग तय किए दोनों भाई कि डेयरी क्षेत्र में अब अच्छा से काम किया जाए। अच्छा अच्छा, वहीं से स्टार्ट हुए। तो ये आपका सर फार्म मतलब कितना एरिया में है टोटल पूरा फार्म? पहले वाला जो फार्म जिस वो है 37x39 है। अच्छा, उसके बाद हमने 21 में बनाए 70x18। जी जी, उस फार्म को। अच्छा, उस वाले को 70x18 21 में बनाए थे। तो वो स्पेशली किसके लिए बनाए थे? वो स्पेशली जो ज्यादा हैवी मिलकर है। अच्छा अच्छा, उसके लिए, बच्चा के लिए। तो आप जितना जगह में खड़े हैं सर वो कितना फीट चौड़ा है? वो 3 फीट है। 3 फीट, 3.5 फीट है, 3.5 फीट एरिया। और ये नाद का हाइट वगैरह कितना है सर? 2.5 फीट। 2.5 फीट। तो ये डिजाइन मतलब आपको क्या आया और इसके पीछे क्या कारण था डिजाइन बनाने का, तो ऐसे इसके बारे में बता दें। ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों के मन में कि कैसे बनाना चाहिए कैसे नहीं। ये डिजाइन से हमको उस समय महसूस हुआ जी कि 2400 घंटा मवेशी के सामने पानी रहना चाहिए। अच्छा, एक खाने के लिए एक पानी पीने के लिए व्यवस्था। अच्छा अच्छा, ताकि जब हम 21 में आए तो ये डिजाइन भी अच्छा नहीं लगा हमको। अच्छा, सबसे बेहतरीन जो उस गौशाला में हम डिजाइन लगाए। अच्छा, ओपन वाला पूरा? हाँ, ओपन वाला। अच्छा, वो सबसे अच्छा हमको डिजाइन। अच्छा, लगा। तो जैसे ये एक तरफ का एरिया मतलब कितना है, कितना भाई कितना फीट का है ये? ये मेरिया एरिया जो है नाद के बाद जो है 10 फीट है। 10 फीट है, 10 फीट। और इधर भी 10 फीट? इधर भी 10 फीट है। और ये फार्म मतलब जो शेड है आपका, शेड का हाइट कितना है सर? तो जो बीच में सेंटर में 24 है। अच्छा, और इधर में? उधर में 18-19 है। तो इस तरह का जो शेड आपने बनवाया है तो लगभग कितना खर्चा इस तरह का शेड में लग जाता होगा? उस समय तो हम बहुत ज्यादा लगा दिए, बहुत ज्यादा मजबूती।
जो उतना आवश्यकता नहीं था, 14 mm का रेड इसमें डालना आवश्यकता नहीं हम समझ रहे हैं, थोड़ा ज्यादा ही कॉस्ट हम लगा दिए इसका। तो इस तरह का शेड में क्या मतलब लगता है, किस मौसम में ज्यादा परेशानी महसूस करते हैं इसमें? इसमें परेशानी है ही नहीं, खुला शेड में आपका 1 महीना ज्यादा कंट्रोल कर लेना है। अच्छा, 1 महीना ठंड में प्रॉब्लम होता है इसका? हाँ, तिरपाल गिरा दीजिए। तिरपाल गिरा देते हैं, तिरपाल गिरा दीजिए। अच्छा। और गर्मी बरसात के लिए तो सबसे अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो जैसे सर आप जब शुरुआत किए थे तो किस तरह की परेशानियां मतलब आपको महसूस ज्यादातर हुआ था? पहले जो इसमें आने के पहले हमारा जो परेशानियां था उसमें ठंड में ज्यादा परेशानी आया। अच्छा। इंजेक्शन बहुत लगता था मवेशी को सबसे ज्यादा। अच्छा। बीमारी बहुत होता था। बीमारी किस तरह? पहले की व्यवस्था में क्या बीमारी होता था? फीवर आ जाना, अभी गर्मी में स्ट्रेस में आया मवेशी रहता। अच्छा। था गर्मी के दिन में जी जी। तनाव बहुत ज्यादा, दूध एक पर एक घट जाना, अकपले कुछ दिए दूध बढ़ता नहीं था। इसमें आने के बाद हमारा वो चीज कंट्रोल हो गया। अच्छा, जो खुला बनाया गौशाला खुला बनाया तब ये पहले वाला व्यवस्था में जैसे हम बाल्टी से पानी पिलाते थे। अच्छा, अभी 24 घंटा इसके सामने पानी है, पानी रखते हैं। हाँ, तो अभी हम एक चीज पर बात करेंगे, एक टॉपिक पर, जो कि अभी काफी गर्मी का मौसम चरम सीमा पर जाने है और होने भी वाला है आगे के समय में, तो गर्मियों में क्या खास ख्याल रखा जाता है पशुओं के साथ में, आप इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे सर? गर्मी में थोड़ा सा फीड चेंज किया जाता है। जैसे किस तरह का फीड देते हैं? फीड उसमें थोड़ा सा जौ डालना जरूरी है। अच्छा, और जौ डालना जरूरी है, और उसके बाद ओपन खुला रखना जरूरी है। गर्मी से ज्यादा परेशानी बरसात में आता है। अच्छा, गर्मी से ज्यादा बरसात में? इसमें तो गर्मी में हवा भी चलता है, बरसात में तो हवा भी बंद हो जाता है जी जी। और उस समय मछियारी के दिन भी रहता है। हमारे फर्म पर भी सोचा गया कि जरा से लेकर अभी तक में दूध पे असर नहीं आया। अच्छा, अभी तक असर नहीं आया, अभी तक दूध का असर नहीं। तो गर्मी में क्या फीड मतलब देना ज्यादा बेहतर माना जाता है, ये आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि जरूरी है ये। गर्मी जैसे अभी मक्का के जनरल सीजन में मक्का और गेहूं का दर रहता है जी, इस समय मक्का गेहूं में 50% हम जौ डाल देते हैं। अच्छा, तो जौ से क्या बेनिफिट होता है? ठंडापन होता है, लीवर सही रहता है। अच्छा, लीवर। अभी मक्का का सत्तू थोड़ा यूज करते हैं। और उसके अलावा और क्या बदलाव करना पड़ता है? और तो वही दो चीज, पानी वगैरह तो समय पानी तो कंटिन्यू में कंटिन्यू रहना है, पानी कंटिन्यू है। ज्यादा हीट आता है तो थोड़ा सा फोगर इस्तेमाल कर दिए। अच्छा, फोगर का भी? हाँ, ऊपर में करकट पे स्टिंकर लगा हुआ है। अच्छा, करकट पे भी? ऊपर हम जब चला देते हैं तो 3-4 degrees ऊपर से डाउन हो जाता है, फोगर चला देते हैं तो 3-4 इधर कर देते हैं, टोटल 7-8 जो है टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो अब आपके डेयरी फार्म में मतलब क्या समस्या उत्पन्न होती है, ये थोड़ा सा बताएंगे? अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा समस्या नहीं हमारे पास। अच्छा अच्छा, बीच में थोड़ा सा आया था आपको आज के 5 महीना पहले, 4 महीना पहले क्या कंसेप्शन रेट घट गया था। अच्छा, घटने का मात्र वजह था थोड़ा लो क्वालिटी का मिनरल जी, हमने महसूस किया कि थोड़ा सा लो क्वालिटी का मिनरल हम इस्तेमाल किए। अच्छा, और लो क्वालिटी के बीच में जो फीड का कॉस्ट बढ़ा ना, तो फीड भी इस्तेमाल किए। अच्छा, जब ये दोनों चीज चेंज किए हैं तो एक ही बार में जी जी हम लमसम उधर का 7 गैया का दिए थे, 6 गैया हमारा एक ही बार में कंसीव की है। अच्छा अच्छा, एक रिपीट की है और 6 गैया एक ही बार में कंसीव की है। तो कंसेप्शन मतलब आपने सुधार लिया, सिर्फ मिनरल का बदला। अच्छा, तो अभी टोटल आपके फार्म में कितनी पशु है सर? अभी छोटा बड़ा मिला के 27 है। 27 पशु है सर, और 27 में मिल्किंग वाली कितनी है अभी? मिल्किंग देखिए, फुल मिल्किंग में तो एक भी नहीं है। अच्छा, सब लमसम सीमेंट पड़ा हुआ है, सीमेंट सबका पड़ा हुआ, सबका पड़ा हुआ है, जिसमें लमसम 7-8 को के चेक नहीं हो गया है। अच्छा, और 3 का चेक 5-6 दिन में हम लोग कर लेंगे, 3 महीना 3.5 महीना के बीच में है, तो 5-6 दिन में भी कर लेंगे। अच्छा, तो सबसे हाई मिल्किंग मतलब पशु कितने लीटर तक अभी तक? अभी तक ले हमारे पास इस फॉर्म पे 32 लीटर तक ले, 32 लीटर तक निकाले हैं बिल्कुल। अच्छा, लमसम एक गाय छोड़कर सब 20+ है, 20+ वाले ही रखे हैं? 20+ वाले। अच्छा, 20 नीचे कोई नहीं है? नहीं, एक है अभी। अच्छा, जो उदंत में है अभी 20+ सबके हो जाएगा। तो अब हम इनके थोड़ा सा फीडिंग मैनेजमेंट पे आते हैं, तो कितना टाइम और क्या चीज देते हैं इसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे सर? अभी तो जैसे हरा चारा हम देते हैं लमसम 85 kg। अच्छा अच्छा, 85% हमारा हरा चारा रहता है, हरा चारा में सुपर मेटियर है और उसके बाद भूसा देते हैं गेहूं का। अच्छा अच्छा, गेहूं का भूसा देते हैं, ये मेरा हो गया। और उसके बाद अनाज में फीड में हम देते हैं मक्का दिए, रहर चुनी दिए, चना दिए, चोकर दिए, खल दिए और ब्रांड देते हैं।
तो जैसे 20 प्लस वाली हुई आपके पास है तो कितनी कितनी मात्रा में देते हैं सर? ढाई लीटर पे एक केजी देते हैं। अच्छा, ढाई लीटर पे एक केजी एक केजी देते हैं। और ये सबका मात्रा मतलब कितना होता है जो आपने बताया जो भी चीज़? 12 का पोर्शन जो 12 है 100 केजी का अगर तैयार कर दो कितना कितना? 12 में 40%। अच्छा, 12 40%। खल का पोर्शन जो 25%। अच्छा, और बाकी मेरा जो ब्रांड हो गया और भमी हो गया वो सब रहेगा 40 से 25 पैसठ हो गया और वो हो जाएगा 30%। अच्छा अच्छा, 5% मेरा मीठा हो गया, मिनरल हो गया, नमक हो गया, ये सब रहता है। तो मिनरल वगैरह मतलब उसी में मिला देते हैं कि अलग से देते? नहीं, मिला देते हैं। मिला देते हैं, मिला देते हैं उसी में कि सब मिक्स करके रख देते हैं। मिक्स करके एक बार में कितने दिन का राशन तैयार कर लेते हैं? 10 दिन का। 10 दिन का तैयार कर लेते हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर जो है डिवॉर्मिंग वगैरह समय पर कितने दिनों पर कराना? 3 महीना पकड़ते हैं। 3 महीने पकड़ाते हैं गाय को? हर 3 महीना। डिवॉर्मिंग के बाद कीड़ी वगैरह का दवा वगैरह भी देते हैं क्या? हाँ हाँ, वो तो मतलब सर ये लीवर टैनिक वगैरह 3 दिन पहले चलाते हैं, 3 दिन बाद तक। अच्छा, 3 दिन पहले चलाते हैं, 3 दिन बाद तक। 3 दिन बाद तक देते रहते हैं? बिल्कुल। तो उससे अगर नहीं देने से फिर क्या बेनिफिट होता है? हाँ, थोड़ा सा दूध पे असर पड़ेगा, खाना पे असर पड़ेगा, गोबर खराब होगा, असर है। अच्छा अच्छा, अब एक मुख्य चीज जो हम आपके बारे में सुने हैं कि आप पूरे साल हरा चारा देते हैं। हाँ, पूरे क्या ये सत्य है कि गलत है? नहीं, 365 दिन 100% सत्य है। अच्छा, आज के बाद हम उदाहरण दे, आज तो हमने सूखा चारा कुछ डाल भी नहीं, हरे चारा ज्यादा कट गया। 100% हरा चारा, पूरा का पूरा हरा, पूरा का पूरा। तो पूरा 100% जब हरा चारा, कोई नुकसान वगैरह? नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक दो दिन से कोई नुकसान नहीं। तो हरा चारा में कौन सा ब्रीड? सुपर नेपियर देते हैं। सुपर नेपियर। अच्छा, तो जैसे अब जो मिल्किंग में कितनी आपने बताया पार्सल मिल्किंग, मतलब सभी सभी मिल्किंग में ही है? हाँ, सभी। तो पूरे फार्म पर मतलब दूध कितना निकलता है अभी? एवरेज 160-170 है। 160-170 लीटर। और किस रेट से दूध आपका जाता है अभी? जैसे डेयरी में मेरा 37-38, 39-36, कहने 36। अच्छा, अब बाकी मेरा लोकल सेलिंग 45-50, अभी जो रेट बढ़ने से मेरा 50-52 का हो गया। एवरेज लोकल सेल 50-52 हो गया। 50-52 हो गया। तो एवरेज देखा है तो 40-42-45। हाँ, एवरेज आए वही आपका आएगा ना? आ जाता है। तो 40-42 और ये सब करके क्या आपको मतलब मुनाफा होता है कि नहीं होता है? ये इस चीज पर थोड़ा नहीं मुनाफा होता है, थोड़ा कम हो रहा है। इसके पीछे रीजन है कि अभी हमारे फॉर्म पे 11 बछिया है। अच्छा, अगर सिस्टम से हम चले 15-16 गाय पे मुश्किल से हमको 3 बछिया रखना चाहिए था। अच्छा, 3 या 4। अच्छा, जो कि हम सिस्टम से हट के 11 बच्चिया को रखे हैं। इस पे मंथली खर्च मेरा 50,000 से ज्यादा है। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा अगर इसको इनकम में हम जोड़ लेते हैं तो इनकम बहुत अच्छा है। अच्छा है जी, बहुत है। बाकी इसको अभी तो खर्च कर रहे हैं, बाकी ये भी तो एक दिन सब बच्चिया के सीमेंट पड़ना स्टार्ट हो गया। एक थंब रूल है कि 15-16 गाय पे 3-4 बछिया रहना, हाँ, मतलब रहने से जो अच्छा होता है, अच्छा होता है, ये चीज माना जाता है। हाँ, ये माना जाता है। तो जैसे जो दूध आप है शुरुआत से ही सुधा में देते हैं या कस्टमर सेलिंग की ये कैसे किए? नहीं, 2007 से हम सुधा में दे रहे हैं। 2007 से? अच्छा, और उसी समय से हम लोकल भी कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा कौन सा है ये आप बताइएगा? बेनिफिट अगर टाइम टू टाइम गाँव से पैसा मिल जाए तो उसमें तो बेनिफिट ज्यादा है, बाकी टाइम से मिलता नहीं है। समय से उतना दो आपका खर्च खपत होगा नहीं गांव में? जी जी, सही बात है, पूरा दूध आपका खपत होगा नहीं। जी बिल्कुल, दूध का तो आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, बाकी कस्टम में ना गाँव देहात में मिलेगा। तो आप पूरे गाँव में कर रहे हैं तो एक चीज जानना चाहते हैं, आपको क्या क्या चीज खरीदना पड़ता है और क्या आपके घर का हो जाता है ये आप बताएंगे? अगर हिसाब किताब तो घर के मेरा कुछ नहीं है, एक भी हम घर का नहीं डालते हैं। अच्छा, हरा चारा और सूखा चारा छोड़कर सब मार्केट से लेते हैं, खरीदना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे डेयरी फार्म अगर हमारे बिहार काफी अभी पीछे है, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि नहीं आगे जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता अभी तक घूमने के अनुसार। क्या आपको लगता है कि आगे जा रहा है? लोग ब्रीडिंग पर नहीं काम कर रहे हैं, 2-3% सीमित लोग हैं। जी जी, जब तक ब्रीडिंग और फीड पे नहीं काम किया जाए तब तक कोई बेनिफिट नहीं होगा। कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो नए पशुपालक भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे डेयरी फार्म को करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए ये आप बताएंगे? सबसे पहले तो ओपन शेड होना चाहिए, कम गाय से स्टार्ट करना चाहिए और शुरू से ही ब्रीडिंग पे काम होना चाहिए, शुरुआत से ही। हाँ सर, पहले इनकम नहीं देखिए, पहले व्यवस्था मैनेजमेंट देखिए और उसके बाद इनकम देखिए। कितने साल के बाद इनकम देखना शुरू किया जाए? जब घर का बछिया आपका तैयार हो जाएगा, यानी कि लमसम 24 से 36 मंथ। 24 से 36 मंथ के बाद जो है आपका इनकम आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में इन्वेस्ट करना, कितना मतलब इन्वेस्ट करें और कितना बैकअप में रखें, क्योंकि ये जरूरी है। एक बिजनेस अगर आप कर रहे हैं
इन्वेस्टमेंट हम कितना करें शुरुआत में? गाय मान के चले की 75-80 हजार आज के डेट में 20 लीटर वाली दूध करने वाली, इससे कम में गाय नहीं मिलेगी। दो कम से कम दो तीन लेकर के आए, तीन लेकर आए, जब वो तीन का सीमन पड़ जाए 60 से 80 दिन के बीच में, तो फिर दो लेके आए, उसके बाद फिर दो लेकर मैं तो एक ही बार पांच आने से परेशानी बनेगा। जी जी, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आप अकेले इसको करते हैं या आपके साथ है कोई सहयोग? हम लोग तो दो भाई है और सहयोगी भी है टाइम से। अच्छा अच्छा, बाकी अपने फॉर्म पर ध्यान देने। तो मिल्किंग मतलब हाथ से करते हैं मशीन? अभी तक हाथ से। चलिए सर, काफी अच्छी आपने इस वीडियो में जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम सर आपके थोड़ा बच्चियों के बारे में जानेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफी अच्छी जानकारी आपने दी।